हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, एक ही यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ कैंपस के अंदर है, जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, आप ये कह सकते हैं कि NCR रीजन में लोकेटेड है, और वो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, परंतु इसका जो रैंक है यूपी के अंदर वो 7वां रैंक है, तो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, आप इसको मिस मत करना। यहाँ पे PhD के एडमिशन भी निकले हैं, और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी इन्होंने मांगी है। आइए टाइम खराब नहीं करते हैं और जल्दी से इसको देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं नोएडा इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसका PhD का सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ कि PhD का एडमिशन उन्होंने किस प्रकार से मांगा है। और ये देखिए आपके सामने, ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। जैसा मैं आपको बता रहा था, यूपी के अंदर इसका 7th रैंक है। और यदि आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे, वेबसाइट है जो, URL लिंक है जो, उसके ऊपर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 5 मई 2022 दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पे आप देखिए PhD एडमिशन अनाउंसमेंट 2022-23 अगस्त बैच के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो सब्जेक्ट ऑफर्ड आपको मिलेंगे, और यहाँ पे दे रखे हैं सब्जेक्ट कौन कौन से जिनके अंदर आप PhD कर सकते हैं। और ये है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SET, जिसके अंदर सब्जेक्ट कौन से आते हैं, लगभग साइंस के और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट SLA, इसके अंदर आते हैं आर्ट के सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में आता है स्कूल ऑफ साइंस SOS, जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सिर्फ मास कम्युनिकेशन ही आता है। स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स के अंदर लॉ आता है। स्कूल ऑफ एजुकेशन SOE एजुकेशन आता है। स्कूल ऑफ फाइन आर्ट SFA सिर्फ फाइन आर्ट आता है। अब चलिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको आपको दिखा देते हैं। या इंपॉर्टेंट डेट में आप ये याद रखिए कि लास्ट डेट जहाँ पे आप मेंशन कर रखी है, ये आपको दिखाई दे रही है कि 5 मई 2022, इसे आप भूल जाए, इसका कोई तुक नहीं है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मैं आपको इसका लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को देख लेना, और उस पर आप अपना फॉर्म गेट कर सकते हैं, फॉर्म वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी सबमिशन की है 15 जुलाई 2022, और डेट ऑफ एंट्रेंस है 31 जुलाई 2022 को। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू या प्रपोजल प्रेजेंटेशन है आपका 1 से 3 अगस्त 2022 तक। रिजल्ट वगैरह ऐसे डिक्लेयर हो जाएंगे, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लेना। उसके बाद में नीचे चलेंगे तो एलिजिबिलिटी दे रखी है, ये भी आप इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे भी आप मत भूलिएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो यदि आपने MPhil वगैरह कर रखी है तो आपके लिए थोड़ी सी छूट मिल जाती है, मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है आपका मिनिमम कोर्स PhD का कितना होगा, ये 3 साल का यहाँ पे मेंशन कर रखा, और मैक्सिमम आप 6 साल यहाँ पे ले सकते हैं, परंतु बाद में भी आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाती है। फिर आती है आपकी फ़ीस, इंपॉर्टेंट क्या है कि फ़ीस आपकी है 1100 रुपये, 1100 रुपये इसकी फ़ीस है। उसके बाद में आप ये भी याद रखिएगा आपको कौन कौन सी चीज़ भेजनी है। एप्लीकेंट कैन डाउनलोड ए कॉपी ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन पोर्टल। सबमिशन पोर्टल के ऊपर जाके आप एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं हार्ड कॉपी। तो ये डाउनलोड वगैरह आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, तो मैं आपको जैसे बता रहा था डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसे सबमिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हार्ड कॉपी आपको भेजनी है, हार्ड कॉपी किसकी, जो भी आपके सारे टेस्टिमोनियल हैं उनकी। उसके बाद में सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फिर है आपका रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपके फोटोग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ना मतलब भेजनी है, और इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको चाहिएंगी। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ये देखते हैं एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। एडमिशन का प्रोसीजर आपका रिटन टेस्ट होगा, परंतु यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा या JRF आपने कर रखा है
तो आपको एंट्रेंस में छूट मिलेगी। यहाँ पे पेपर वन है जो 50 नंबर का है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी और एप्टीट्यूड के। पेपर टू में जो नेट का सिलेबस के अनुसार यूजीसी का जो रिकमेंडेड सिलेबस है उससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक ही घंटे का है यानी कि टोटल 100 नंबर है, 50 नंबर आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिएंगे। यहाँ 10 से 11 बजे तक और 11:30 से 12:30 बजे तक, और ये यहाँ पे वेन्यू दे रखा है कि न्यूटन ब्लॉक के अंदर आपका इस प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो मतलब जज कर ही लिए जाएंगे। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है कि रिसर्च मेथोलॉजी का सिलेबस आपका क्या होगा, उसके बाद में सेक्शन बी के लिए यूजीसी और सीएसआई नेट सिलेबस है, 50% वेटेज है यानी कि 50% का आपका ये सिलेबस होगा। उसके बाद में क्वालिफाई कौन होगा 50% वाला, मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट और जो जेआर किए हुए कैंडिडेट हैं या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू से मतलब डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट से वो एग्जाम रहेंगे। एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लेने होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगी, 70% आपके मार्क्स आएंगे एंट्रेंस से, 30% का आपका होगा इंटरव्यू। अब यहाँ पे बता रखा है रिलैक्सेशन इन एंट्रेंस टेस्ट और मैट टेस्ट के अंदर, वो हमने पहले ही बता दिया। इंटरव्यू आपका इस प्रकार से होगा, ये थी इन्फॉर्मेशन नोएडा यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड मैंने बात की। अब बात करते हैं हम नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी आई हुई है, और ये किस प्रकार है ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं 15 जुलाई 2022 से, लास्ट डेट है इसकी 30 जुलाई 2022। एप्लीकेशन आपको कहाँ भेजनी है, यहाँ पे hr@niu.edu.in के ऊपर। अब उसके बाद में क्या है कि नोएडा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वगैरह हायरिंग कर रही है, और हायरिंग किस किस को कर रही है, सीनियर प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर को और असिस्टेंट प्रोफेसर को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूजी के अनुसार और जिस प्रकार से अदर नॉर्म्स है उसके अनुसार। लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे बता रखें कि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी हैं, तो ये आप देखिए आपके सामने इस प्रकार है। लिस्ट है अलाइड हेल्थ सर्विस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर CSEE, सिविल और बायोटेक्नोलॉजी और IT के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जैसे HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हॉस्पिटल और हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, साइंस के अंदर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोलॉजी और एग्रीकल्चर के अंदर। फिर उसके बाद में आता है आपका फाइन आर्ट, फाइन आर्ट के अंदर है पेंटिंग, प्रिंटिंग और स्कल्पचर, और लिबरल आर्ट के अंदर इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, अदर्स कुछ और भी आ जाते हैं जैसे मास कम्युनिकेशन, लॉ, जर्नलिज्म। आप ये कहेंगे सारे सब्जेक्ट तो इसके अंदर कवर कर लिए, बिल्कुल कवर कर लिए, और यदि आप एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इससे बढ़िया ऑप्शन और आपको क्या मिलेगा। की डेट जो हम पहले बात कर चुके हैं 15 जून 2022 से लेके और लास्ट डेट है आपकी 30 जून 2022 तक। आपको रिज्यूम अपना भेजना है, उसके साथ में रिसेंट फोटोग्राफ आपको भेजने हैं, और ये है ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो है हमारी नोएडा इंटरनेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो मैं आपसे यही सुझाव दूंगा, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और क्योंकि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो निश्चित तौर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर लीजिए। और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसका यूपी के अंदर 7वां रैंक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर आप अप्लाई कीजिएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।